इज समथिंग एल्स. वेल्दी होना, अमीर होना एक अलग बात है, सक्सेसफुल होना एक बिल्कुल अलग बात, बिल्कुल डिफरेंट बात. भाई सक्सेस क्या चीज है, क्या है सक्सेस? ऑडी क्या है सक्सेस? जितना आदमी प्रोग्रेस करता है, कामयाब होना, प्रोग्रेस करना ही तो आपकी वर्डिंग्स है ना, कामयाब हो रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. असल में सक्सेस क्या है, क्या चाहते हैं आप चाहते क्या हैं? हायर क्लास पे पहुंचना नहीं चाहते आप? ये क्या आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से जंप करते 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 यहाँ पर पहुंच जाऊँ? यस, शायद आप यही चाहते हैं. सक्सेस क्या होती है, बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि उमूमी तौर जनरली स्पीकिंग जो नज़र आता है, जो देखते हैं आप और जो समझते हैं आप, और हम सब वही समझते हैं कि सक्सेस का मतलब ये है कि आप बहुत सारे पैसे कमाने लगे, बहुत सारे पैसे कमाने लगे. एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में ऐसी होती है, और वो देखो फुटबॉल प्लेयर, ओ हो इतने बिलियन कमा रहा है, ओ हो उसके पास तो फरारी रखी हुई है उसने, ओ हो उसके पास तो इतना बड़ा घर है, और ये सारे काम आप कर भी उस लिए रहे हो भाई, पैसे आ जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाए, आपकी जो है वो वाह हो जाए मार्केट में, लोग कहेंगे यार वाह क्या बात है, क्या जबरदस्त आदमी, क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं. ये जनरल परसेप्शन सक्सेस की, मशहूर हो गए, पैसा आ गया, लग्जरीज आ गई, घर आ गया, कार आ गई, बंगला आ गया, ये सब चीज़ें आ गई, आप सक्सेस उसको समझ. असल में सक्सेस ये नहीं है. इंसान की सक्सेस क्या है? इंसान की सक्सेस है, एक वर्ड होता है, आप लोगों को पता नहीं, पता है नहीं पता, पीस. मालूम है आप लोगों को पीस का? पीस अंदर का पीस, आपके सुकून. इसको आप अगर उर्दू में कहना चाहें तो मैं कहूँगा, पीस नहीं कहूँगा मैं उर्दू में, या सुकून नहीं कहूँगा मैं, कहूँगा आप चाहते हैं असल में खुश रहना, खुशी चाहते हैं. आपकी सक्सेस क्या है? खुशी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन कह लीजिए उसको आप. असल में जो आप चाहते हैं, जो मैं चाहता हूँ, असल में हम चाहते हैं खुश रहना. अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, हम खुशी ढूंढ रहे हैं. हम खुशी ढूंढते किस चीज़ में? हम खुशी ढूंढते हैं कि भाई अगर मेरे पास गाड़ी होगी ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर मेरे पास ना बड़ा सा घर होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर मेरी जेब में बड़े सारे पैसे होंगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी. ये सारी चीज़ों में हम समझते हैं कि बड़ी खुशी होगी, होती भी है, टेम्प्ररी होती है, थोड़ी देर के लिए होती. गाड़ी मिलती है आपको, एक दिन आप गाड़ी में बैठते हैं, कहते हैं यार क्या जबरदस्त गाड़ी है, अगले दिन भूल जाता है. घर में मिलता है आपको, कहते हैं यार क्या जबरदस्त घर है, अगले दिन ऑर्डिनरी लगने लगता है. सबके पास ही होगा, ठीक है ना? स्कूल जाते हैं, पहले दिन देखते हो क्या जबरदस्त स्कूल है, अगले दिन बड़ा ऑर्डिनरी लगने लगता है, सबके पास ही होगा. तो ये जितनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो पैसे से आ रही हैं आपके पास, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिनसे आपको परमानेंट खुशी कभी भी नहीं मिलती, खुशी कभी नहीं मिलती. लग्जरीज अलग चीज़ है, और उन लग्जरीज से खुशी मिलना अलग चीज़ है. मैं एयर कंडीशन कमरे में सो रहा हूँ, ये मेरी लग्जरी है, लेकिन क्या मुझे उससे खुशी हो रही है, आराम मिल रहा है, ये अलग चीज है. मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता. पैसा है तो क्या उस पैसे से मुझे खुशी हो रही है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. तो बात यह है कि भाग आप रहे हैं खुशी के पीछे, पता आपको नहीं है कि खुशी मिलने का. तो एक बात तो आप जहन में बिठा लीजिए कि सेटिस्फैक्शन, खुशी
और आपका इकोनॉमिक लेवल, ये दो अलग अलग चीज है, ठीक है ना, ये दो अलग अलग चीज है। आपको इकोनॉमिकली एक ऐसे लेवल पे होना चाहिए कि जहां पर आप फिजिकल तकलीफ में ना आ जाए, फिजिकल तकलीफ में ना आ जाए, मतलब इकोनॉमिकली आपको कम से कम इतने पैसे आपके पास हो कि आप खुद और आपके बच्चे भूखे ना मर रहे, ऐसा ना हो कि आपके घर पे आपके सर पे छत ना हो, तो इतना ना हो इकोनॉमिक लेवल के वो आपको तकलीफ देना शुरू कर दे, खुशी तो छोड़ दे, वो ना हो, मतलब एक खास लेवल पे अगर आप हैं जहां पर आपको ये बुनियादी चीजें जितने को मिल रही हैं, तो दैट लेवल इज सेटिस्फैक्ट्री लेवल। उस सेटिस्फैक्ट्री लेवल से वो कहीं मिडिल में आता है, जो मिडिल क्लास होती है आपकी वहां से, इस लेवल से लेके ऊपर तक का जो लेवल है, आपको इन सीढ़ियों पे चढ़ने को कोई मना नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि मत चढ़ो, बिल्कुल चढ़ो, जितना ऊपर जा सकते हो जाओ, कीपिंग इन माइंड कि इस सीढ़ियों के ऊपर जाते 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 खुशी नहीं मिलनी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलनी, सेटिस्फैक्शन का रूट डिफरेंट है, वो रूट डिफरेंट है। सेटिस्फैक्शन के रूट में और खुशी के रूट में अल्लाह ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया, और वो काम ये किया है कि ये जो आप ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, पैसे दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मांगते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, चीजें बढ़ती जा रही हैं आपकी, है चीजें लेने में हैप्पीनेस रखी नहीं, अल्लाह ने चीजें लेने में खुशी नहीं रखी, अल्लाह ने हमेशा जो खुशी रखी है वो देने में रखी है। आपको लेने में जो मजा नहीं आता, जो आप कोई चीज लेते हैं, किसी से पैसा ले लिया, किसी से उधार ले लिया, किसी से घर ले लिया, किसी से गाड़ी ले ली, पैसे आ गए आपके पास बहुत सारे, इसमें खुशी बड़ी टेम्पररी मिलती है, थोड़ी देर के लिए मिलती है, लेकिन जब आपका हाथ नीचे वाले हाथ से क्या हो जाता है, ऊपर वाला हाथ हो जाता है, कि लेने वाले के बजाय आप क्या हो जाते हैं, देने वाले हो जाते हैं, तो बेटा ये वो टाइम होता है कि जो फितरत में अल्लाह मियां ने आपकी, ह्यूमन बींग्स की फितरत है, ये जानवरों के अंदर इतनी नहीं है, जानवरों में है लेकिन थोड़ी कम है, जानवरों में नहीं है। आपने एक चीज देखी होगी कि जब जंगल में कोई एक रेवड़ जा रहा होता है जेबरों का या बकरियों का या बैलों का, और उस पर शेर हमला कर देता है, तो जनरली क्या होता है, रेस्ट ऑफ द पीपल आर लीज़ बॉदर्ड, एक को पकड़ लिया शेर ने आके, हजार वहां पर भैंसे खड़े हुए, एक को पकड़ लिया शेर, एक है शेर, वो हजार के हजार जो भैंसे हैं इंसान की फितरत नहीं रखी है, इंसान की फितरत रखी है देने वाली, दूसरों की मदद करने वाली। तो जब आप किसी और के लिए काम करते हैं, किसी और की मदद करते हैं, तो वो टाइम होता है कि जब आपको असल में खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। आप करके देखिएगा कभी कि कोई, बल्कि आप लोगों ने अक्सर किया होगा, कोई ऐसा वाक्य आप लोगों की जिंदगी में है कि जब आपने अपने लिए कुछ ना लिया हो, किसी और के लिए कुछ किया हो, और आपको ऐसा लगा हो कि बहुत ज्यादा आप खुश हो, कभी कोई ऐसा वाक्य हो कि आपने अपनी ख्याल ना किया हो लेकिन आपको खुशी बहुत हुई हो, आपने एक एक खाया नहीं लेकिन आपको खुशी बहुत हुई, कोई ऐसा वाक्य? एक बार इधर तो एक बच्चा था, हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, तो उसका जो खाना था ना, मेरे दोस्त ने बॉल मारी थी, उसका खाना सारा गिर गया, तो मेरे पास पांच धर्म थे, मैंने उसे दिए ना, तो उसने खाना खरीदा, मैं बहुत खुश हो गया था। आपको बहुत, आपको ऐसा लगा होगा कि आज आपने पता नहीं दुनिया का कौन सा काम कर दिया, आपको ऐसी खुशी मिली होगी कि जैसी खुशी शायद अगर आपको बहुत सारा खाना या बर्गर या और चीज़ें खिला दी जाती तो शायद आपको इतनी खुशी नहीं होती, इतनी खुशी उस दिन आपको मिली होगी।
तो इस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में आती रहेंगी, आपको मौके मिलते रहेंगे। अब आप देखो मजे की बात क्या है, बाज लोग होते हैं ना वो ये कहते हैं कि जी हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, बनाने वाले ने एक ऐसा निज़ाम बना दिया कि जहाँ पर एक आदमी तो इतना अमीर है और हम तो इतने गरीब हैं, तो ये तो भाई नाइंसाफी होगी। कहते हैं ना लोग ऐसे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कहने वाले, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई बनाने वाले ने जो निज़ाम बनाया है वो बड़ा बैलेंस निज़ाम है। वो निज़ाम पैसे की बुनियाद के ऊपर नहीं चल रहा, वो निज़ाम आसाइशों की बुनियाद के ऊपर नहीं चल रहा, वो निज़ाम चल रहा है सेटिस्फैक्शन एंड पीस के ऊपर। और वो सेटिस्फैक्शन एंड पीस जो है वो हासिल करने के लिए आपको किसी सीढ़ी के ऊपर जंप करने की जरूरत नहीं है, वो किसी जगह पर पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो आप आज से अभी से शुरू कर सकते हैं। वो पता है आपको कि ये जो आदमी जो गड्ढे में गिरा हुआ सबसे नीची सतह का आदमी है वो ये भी शुरू कर सकता है। ये वो बच्चा है कि जिसकी माँ ने दो दिन से खाना नहीं खाया और उसके पास एक सूखी रोटी थी, तो उसने वो सूखी रोटी पानी से लगा के इस बच्चे को खिला दिए ताकि इसका पेट भर जाए। ये वो बच्चा है, लेकिन ये बच्चा इस रोटी में से आधी रोटी अपनी माँ को खिला के या किसी और ऐसे भूखे को खिला देता है कि जो उससे भी ज्यादा भूखा है, तो भाई खुशी तो मिल गई ना इसको, फ्री फंड मिल रहा, फ्री में मिल गई, पैसे नहीं खर्च किए, सूखी रोटी थी अपने पास, वो उस सूखी रोटी से उसने वो खुशी खरीदी। जो मे भी यहां पर बैठा हुआ जो बिल गेट्स और वॉरेन बफेट है वो नहीं खरीद पा रहा, वो खरीद ही नहीं पा रहा, उसके पास अकाउंट में अरबों रुपए पड़े हुए, लेकिन वो खुश नहीं है, सो नहीं पा रहा, नींद नहीं आ रहा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये खुशी मैं इन पैसों से खुशी कैसे खरीदूं। वाले भी खरीद सकता है, पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है। कैसे खरीदी जा सकती है कि जब ये पैसे आप उन लोगों पे खर्च करना शुरू कर दें जिनको इनकी जरूरत है।